हेलो स्टाइलो फैम, आप सबका आपके अपने चैनल ब्यूटी से स्टाइलो कुदरत पर स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त कुदरत। तो गाइज, आज मैं एक पैलेट का रिव्यू करने जा रही हूं, वो है हुडा का ग्लिटर पैलेट। तो आप देख चुके हैं कि इस पैलेट को मैंने यूज़ किया है, जो मैंने काशी इंस्पायर्ड लुक क्रिएट की थी उसमें मैंने इस पैलेट को यूज़ किया था और फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया था। फर्स्ट टाइम यूज़ करने पर ही आई रियली लव्ड दिस पैलेट, मुझे बहुत 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 ही अच्छा पैलेट लगा मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो इसका रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये पैलेट कुछ इस तरह है। तो ये कुछ इस तरीके से है। इसके ग्लिटर्स देखिए गाइस, कितने ही प्यारे हैं। सारे ही जो ग्लिटर शेड्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। तो इसकी जो पैकेजिंग है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग है इसकी, तो इसमें आपको मिरर भी मिलता है। आई थिंक ये हुडा का ओरिजिनल पैलेट नहीं है, ये फर्स्ट कॉपी ही है। बट ये पैलेट बहुत 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 ही अच्छा पैलेट मुझे लगा है। इट इज़ वर्थ टू बाय। अगर आपको कहीं भी मिलता है तो आप ज़रूर बाय करें। मोस्टली हम कई बार क्या होता है, कॉपीज बाय करते हैं या ड्यूप्स बाय करते हैं, वो काफ़ी बार तो हमें अच्छे मिलते हैं, काफ़ी बार हमें अच्छे नहीं मिलते हैं, लेकिन ये अच्छे वाली साइड में है। तो आप अगर आपको कहीं भी मिलता है तो आप ज़रूर बाय करें। तो इसके जो ग्लिटर्स हैं वो प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं, इसमें कोई भी वैक्स वगैरह नहीं यूज़ की गई है। तो गाइज, अगर आप इसको ब्रश के हेल्प के साथ टैप टैप करके अप्लाई करते हैं तो भी बहुत अच्छी तरह ये अप्लाई हो जाते हैं, और अगर आप इसको फिंगर के हेल्प के साथ अप्लाई करते हैं तो भी बहुत अच्छी तरह ये अप्लाई हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको इसके स्वॉचेस भी दिखाती हूँ। तो जस्ट आपको इस तरीके से लेना है। मैं आपको वापस दिखा रही हूँ इस शेड को, क्योंकि अगर आप इस तरह लगाते हैं इसको रब करके तो इसकी पिगमेंट थोड़ी कम, लेकिन अगर आप अप्लाई करें जब भी अपनी आईलिड पे तो इस तरह आप इसको अप्लाई करें। ये थोड़ा ऐसे स्वॉच करने में थोड़ा सा ऐसे लग रहे हैं, बट अगर आप आई पे इसको अप्लाई करते हो तो ये बहुत ही अच्छी तरह अप्लाई होते हैं। तो मैंने जिस वीडियो में इसको अप्लाई किया है उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब मैं आपको ब्रश के हेल्प के साथ दिखाती हूँ, क्योंकि फिंगर इस तरह हाथ पे अप्लाई करने से पिगमेंट थोड़ी सी इसकी ऐसे लग रही है, लेकिन इसकी पिगमेंट बहुत अच्छी है। तो आप देख सकते हैं, तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं पीछे मेंशन किए गए हुए हैं, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 12 मंथ्स। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप जरूर इस पैलेट को बाय करें। अगर आप बाय करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आकर बताएं कि आपको ये पैलेट कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा पैलेट लगा, क्योंकि मैंने पहले भी एक दो पैलेट ग्लिटर पैलेट बाय किए हैं, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, बिल्कुल ही बेकार पैलेट हैं। हो सकेगा तो मैं उनका रिव्यू भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, कि क्योंकि आपको भी पता चल जाए, अगर आप वो बाय करना सोच रहे हैं, बाय करना चाहते हैं, तो आप पहले उसका रिव्यू ज़रूर देख लीजिएगा, फिर ही पैलेट को बाय कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। तो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अंटिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।